रिमझिम बारिश से खेतों में पानी बढ़ गया हो, लेकिन अभी सरदारपुर तहसील के लाबरिया डैम अभी भी आधा भी नहीं भरा है। वही अगर ऐसी ही स्थिति रहती है तो गेहूं की फसलों को लेकर किसानों की चिंता जरूर बढ़ जाएगी। देखिए आज हमारी टीम के द्वारा डैम का निरीक्षण किया गया, जहां क्षेत्र के सभी खेत पानी से लबालब भरे हैं, वहीं आज हम देख रहे हैं कि लाबरिया बांध आज वर्षा के इतने समय बाद, इतना टाइम होने के बाद भी आज पूर्ण रूप से नहीं भरा है। वहीं बताया जा रहा है कि 2 मीटर माझी अभी तक भर पाया है, 3.5 मीटर के आसपास अभी भी लाबरिया बांध खाली है। तो इसको देखते हुए किसान की चिंता जाहिर सी नजर आ रही है। जिस प्रकार लगातार रिमझिम बारिश के चलते खेतों में पानी भरा है, जिससे वर्तमान की फसल नष्ट होने की शंका तो है ही है, साथ में भविष्य की फसल आने वाले गेहूं और चना के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का संकेत देती हुई नजर आ रही है। जैसे तालाब में अभी तक वर्षा के 3 माह बीत जाने के बाद भी 2 मीटर पानी भरा है और 3.5 मीटर आज दिनांक तक खाली है। इसको देखकर ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली गेहूं और चने की फसल में भी इसका कहीं न कहीं नुकसान या इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, या फिर आने वाले समय में यदि तेज वर्षा नहीं हुई तो ये निश्चित रूप से भी हम कह सकते हैं कि गेहूं और चने की फसल में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद।